दोस्तों कंगना रनौत अपनी फिल्मों के अलावा बेबाकी के लिए भी जानी जाती हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में कंगना ने अपने पहले क्रश, पहले रिलेशन और पहले किस के बारे में बताया कि उनका पहला क्रश एक टीचर से था। तब वह 14 से 15 साल की थी। कंगना ने उस टीचर को एक कार्ड पर हैप्पी टीचर्स डे लिख कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने पहले किस के बारे में बताया। कंगना ने बताया कि मेरा पहला किस बिल्कुल भी मैजिकल नहीं था, वो काफी बुरा अनुभव था। मेरा मुंह फ्रीज हो गया था और मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी। लड़के ने बोला, मुंह हिलाओ तो जरा। कंगना की यह बात सुनकर सभी हंस पड़े। इसके बाद कंगना ने प्यार से लेकर दिल टूटने तक के बारे में बताया। कंगना का कहना था कि उनका पहला रिलेशन 17 से 18 साल की उम्र में रहा। मैं उस वक्त चंडीगढ़ में थी। मेरी दोस्त एक लड़के के साथ डेट पर गई थी और मैं भी उसके साथ थी। दोस्त के बॉयफ्रेंड के साथ उसका दोस्त भी आया था, तो मेरी फ्रेंडशिप उसके साथ हो गई। वह काफी क्यूट पंजाबी लड़का था, 28 साल की उम्र का था और मैं 17 से 18 साल की थी। हमारा रिश्ता कुछ समय तक चला, फिर उसने कहा, तुम तो बच्ची हो। उसने पहचान लिया था कि मैं इन सभी चीजों के लिए फिट नहीं हूँ। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और मेरा दिल टूट गया था। मुझे पर्सनल लगा कि मैं काफी जुनूनी लवर हूँ। मैं उस वक्त उसे मैसेज करती थी और कहती थी कि मुझे एक चांस तो दो, मैं बड़ी हो जाऊंगी। यहाँ कंगना ने यह भी बताया कि जब उनके पेरेंट्स को पता चला कि वो सेक्सुअली एक्टिव है तो सदमे में चले गए। कंगना ने कहा कि युवाओं के सेक्स करने में पेरेंट्स को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों को सेफ सेक्स करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो दोस्तों, कंगना रनौत की इस प्रकार की प्रतिक्रिया पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।